नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टू शीलिंग अकेडमी. डिवाइन टू शीलिंग अकेडमी में टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के क्लासेस कंडक्ट होते हैं. आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी लर्न कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं और आपकी सिटी में आप ये सेंटर्स स्टार्ट कर सकते हैं. ये वीडियो बन रहा है कर्क राशि के लिए. कर्क राशि का सितंबर 2019 कैसे जाएगा, कहाँ उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी. सो करियर आपके लिए अच्छा दिखाता है, फाइनेंस के लिए दिखाता है कि आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं और इनकम आपका ग्रो होने वाला है. उसके बाद आपका रिलेशनशिप भी अच्छा दिखाता है. अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ट्रैवल करें और जहां से भी प्रपोजल आ रहे हैं वहां पे आप ट्रैवल करेंगे तो सितंबर में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है. अगर आप मैरिड हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें तो इससे आपको और इमोशनल हैप्पीनेस मिल सकती है. हेल्थ के लिए आप बहुत से चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में ला रहे हैं विच आर पॉजिटिव. स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए एडवाइस आया है कि यू शुड लर्न समथिंग न्यू, आपको कुछ नया लर्न करना चाहिए आपके लाइफ में. तो हम यहाँ से एंजल बोर्ड से चेक करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए. सो कर्क राशि वालों को स्पिरिचुअलिटी के लिए हम एंजल्स को प्रे करेंगे और बोर्ड यूज करने के पहले बोर्ड का क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. ये एक पावरफुल टूल होता है जिससे हम एंजल से कनेक्ट होते हैं और एंजल्स हमें, हायर पावर्स हमें गाइड करते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए. कर्क राशि को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आया है लर्न एंड स्टडी. आपको कुछ नए कोर्सेस लर्न करने चाहिए जैसे रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा या फिर एस्ट्रोलॉजी. और यहाँ दिखाता है कि आप इनमें से अर्न भी कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं और आप इसमें से अर्न भी कर सकते हैं. टैरो एडवाइस कर रहा है कि यू शुड लर्न रेकी. रेकी लर्न करने से आपके चक्रास, आपके ऑरास क्लियर होते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जिससे आप पॉजिटिव चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हो. सो रेकी इज गुड फॉर कर्क राशि. कर्क राशि वालों को कोई भी डिसीशन खुद नहीं लेना चाहिए, किसी को बताकर ही आपको आपके रिलेशन आपके डिसीशंस लेने चाहिए. और कर्क राशि वालों को थोड़ा बहुत नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है अभी, उसके लिए आपको सौंफ का पैकेट लेना है, उसमें थोड़ा शक्कर डालना है, पैकेट को जिप सील करना है और उसे आपको आपके पिलो के नीचे रखना है. कर्क राशि वालों को करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, आपकी इनकम भी ग्रो होने वाली है और आपकी रिलेशनशिप में सिर्फ थोड़े से डिलेज दिखाता है या फिर अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स या फिर थोड़े से क्लैशेस दिखाता है, बट वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है. मे बी बाय फरवरी मंथ आपका ये रिलेशनशिप इशू जो है वो सॉल्व होने वाला है. अगर आप पार्टनर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ट्रैवल करें. प्रैक्टिकल एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं. सिर्फ घर बैठकर मैट्रिमोनी साइट्स देखकर या रेमेडीज करके आपका काम नहीं हो सकता है मैरिज का. आपको ट्रैवल करना है और पार्टनर से मिलना है और फिर डिसीशंस लेने हैं. फरवरी तक आपका मैरिज होने का चांसेस है कैंसर राशि का, अगर आप अनमैरिड हैं और पार्टनर देख रहे हैं. बच्चों के लिए कर्क राशि के जो बच्चे हैं उनको ही डिसीशंस लेने दीजिए उनके पढ़ाई के लिए. आप उनके पेरेंट्स जो है वो इंटरफेयर बहुत करते हैं बच्चों के डिसीशन में, आप उनको ही डिसीशंस लेने दीजिए. थैंक यू.